हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर 3 इक्वेशन लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स पर कुछ डाउट्स जो छात्रों के रहे हैं उस पर हम कुछ क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करेंगे। तो छात्र देखें। दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो इसका व्यापक सूत्र क्या होता है बच्चों? ax + by प्लस सी इक्वल जीरो। ये समीकरण सभी बच्चों ने देखा होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दो चर, इसमें चर कौन कौन से हैं। चर चर मतलब होता है अज्ञात राशि, अज्ञात राशि जिसका मान हमको मालूम नहीं है। तो यहां पर कौन कौन से दो चर हैं? एक्स और वाई। अचर अचर यहां पर कौन कौन से हैं? ज्ञात राशि। यहां पर कौन कौन से हैं? ए बी सी। तो हम यहां देखते हैं कि जो जैसा टाइटल में लिखा है दो चर वाले, तो यहां कौन दो चर दिख रहा है आपको? दो चर, ठीक है। तो यहां पर दो चर दिख रहा है, तो उस बेस पे इसको दो चर वाले। रैखिक का मतलब क्या होता है? रैखिक का मतलब होता है कि चर की अधिकतम घात, चर की घात यदि एक हो तो रैखिक होगा। क्लियर। अब हम आते हैं कि समीकरण, समीकरण किसे कहते हैं? समीकरण वह होता है जिसमें दो व्यंजकों के बीच में बराबर का चिन्ह उपयोग किया गया है। यानी हमको देखते हैं यह व्यंजक है, कौन सा व्यंजक? यह है एक्सप्रेशन। यहां पर एक्सप्रेशन क्या है? ax + by + c। तो यह समीकरण नहीं है, यह क्या कहलाएगा? सिर्फ व्यंजक। और जब दो व्यंजकों के बीच में हम बराबर का चिन्ह उपयोग करते हैं तब वो समीकरण होता है। तो हम देखते हैं कि ax + by + c, और हमने चिन्ह कौन सा यूज किया? बराबर का, तो और साथ में जीरो यूज किया है। तो अब ये क्या बन गया आपका? समीकरण। क्लियर। तो आपको जो चैप्टर का टाइटल है वो क्लियर हो गया होगा। दो चर वाले यानी इसमें दो चर का उपयोग किया गया है, एक्स वाई। रैखिक यानी चर की घात एक है। समीकरण इसमें बराबर का चिन्ह का उपयोग किया गया है। तो इस प्रकार से दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक सूत्र होता है ax + by + c = 0, जिसमें ए बी सी जो हमको ज्ञात राशि है, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो उसमें उनके संख्याएं जो न्यूमेरिकल संख्या होती है उनके मान लिखे रहेंगे, तो उस बेस पे अपन करेंगे, ठीक है। तो इसको याद रखिए कि दो चर वाले समीकरण का व्यापक सूत्र यह होता है। इस फॉर्म में हमको समीकरण देखने मिलेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की चार विधियां मुख्य तौर पर हैं, ठीक है। पहली विधि है ग्राफ विधि, दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, तीसरा विलोपन विधि और चौथा बजगुण विधि। तो हम चारों विधि पर क्वेश्चन करेंगे। तो अभी हम सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि जो है सरल है उसको देखते हैं, ठीक है। तो यह क्वेश्चन है प्रश्नावली 3.3 का। इसमें हमको यह रैखिक योग में दिया हुआ है, उसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो क्वेश्चन वन है, इसमें पहला समीकरण दिया हुआ है। समीकरण वन क्या दिया हुआ है? x + y = 14। समीकरण टू x - y = 4। तो हम प्रतिस्थापन विधि से क्या करेंगे कि एक चर, चर कौन सा चर? कोई भी एक चर ले लेते हैं,
चर एक्स का मान वाई के रूप में लिखने पर, तो आप लिखिए इसको समीकरण एक से, किससे करेंगे हम, समीकरण एक से, समीकरण वन में, ठीक है। तो एक्स बराबर आ जाएगा 14 माइनस वाई, हमने क्या किया समीकरण एक में y का पक्षांतर कर दिया, किस तरफ, दाहिने तरफ, तो जब y जो दाहिने तरफ जाएगा तो वो ऋण y हो जाएगा, तो x बराबर कितना मिल गया 14 प्लस 14 माइनस y। अब हम इस x का मान समीकरण दो में रखने पर, तो आप x का मान समीकरण दो में रखिए तो कितना हो जाएगा, यहां जो x है उसके स्थान पर क्या रख देंगे हम 14 माइनस वाई, और साथ में फिर क्या है इसके माइनस वाई है, ये किसके स्थान पर रखा हमने 14 माइनस वाई, x के स्थान पर, और साथ में माइनस वाई लिखा, बराबर कितना है 4। इसको हम थोड़ा सिंपल करेंगे तो यहां हो जाएगा 14 माइनस 2y इक्वल 4। अब हम देखते हैं कि 14 जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उनको एक ही तरफ ले आते हैं, तो 4 को हम लेफ्ट में ले आएंगे तो माइनस 4 हो जाएगा, और माइनस 2y है उसको हम राइट में ले जाएंगे तो माइनस से वो क्या हो जाएगा प्लस। तो हम देखते हैं कि tan इक्वल 2y, तो इससे क्या निकलेगा y इक्वल टू कितना हो जाएगा tan अपॉन 2, और tan अपॉन 2 कितना होता है 5। तो हम यहां देखते हैं y इक्वल टू 5, ये y की वैल्यू हो गई। अब हमने यहां पर देखिए इसमें इसमें हम y का मान पुट कर देंगे तो x बराबर कितना दिया हुआ है 14 माइनस 5, सॉरी 14 माइनस 5 रख दिया तो कितना हो जाएगा जी 9। तो आपका आंसर हो गया x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 5, ये आपके आंसर हो गए। क्लियर, सभी बच्चों को समझ में आ गया ये सवाल कैसे करते हैं ये वाला, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ये सेकंड क्वेश्चन बच्चे कर लेंगे यहां पर, ठीक है। अब हम जैसा हमने फर्स्ट किया है वैसा ही थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स, ये बच्चे आप होमवर्क में कर लेंगे, ठीक है। और यदि इसमें किसी प्रकार का डाउट हो तो हमसे पूछ लेना, तो होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6 ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है, जब आप करके देखेंगे। जैसा मैंने फर्स्ट किया है वैसे ही सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ करना है आपको, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं, हमको यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमको इसको समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है, और उसके बाद हमको प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना है। तो यहां पर क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो हम क्या करेंगे, माना दो संख्याएं x तथा y है, तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 26। क्लियर, तो जी आपका समीकरण नंबर एक हो गया, ये समीकरण नंबर एक हो गया। एक संख्या दूसरी संख्या से तीन गुनी है, दूसरा क्या लिखा है, एक संख्या x दूसरी संख्या y से तीन गुनी है। इसका मतलब क्या होता है कि x बराबर 3y, इसको हम 3y को पक्षांतर कर दो तो x माइनस 3y,
बराबर जीरो। ये आपको दूसरा समीकरण मिल गया, क्लियर। अब हम इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि हमने क्या बताया था आपको कि एक चर को दूसरे चर के रूप में लिखने पर, तो यहां देखिए समीकरण एक से x का मान y के रूप में व्यक्त करने पर, तो यहां पर देखेंगे x बराबर कितना हो जाएगा, इस y को हम राइट में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 26 प्लस y। अब हम इस x का मान समीकरण नंबर दो में रखेंगे, तो x का मान समीकरण दो में रखने पर, तो x का मान समीकरण दो में रखिए, तो यहां जो x लिखा हुआ है वहां पर आ जाएगा आपका x का स्थान कितना हो जाएगा 26 प्लस y। ये हमने x के स्थान पर रिप्लेस किया, x के स्थान पर क्या रख दिया हमने 26 प्लस y। फिर इसके बाद क्या है आपका माइनस 3y इक्वल जीरो, क्लियर। आप इसको थोड़ा सरल कर लीजिए तो आपका हो जाएगा 26 प्लस y माइनस 3y इक्वल जीरो, ये कितना हो जाएगा आपका माइनस 2y इक्वल जीरो। तो 26 बराबर 2y, y बराबर कितना हो जाएगा 26 बटे 2 का मतलब 13, तो y का मान कितना हो गया 13। अब हम इस y का मान समीकरण एक में रखने पर, तो हम देखते हैं x माइनस y, y कितना है 13 बराबर 26, x माइनस y तो x बराबर कितना हो जाएगा, मैंने 26 टू बार तो कितना हो जाएगा जी, यहां देखिए बच्चे 26 प्लस 13, तो x बराबर कितना हो गया, ये आज आपका आपका हो जाएगा 39, क्लियर। तो आंसर में x बराबर 39 और y बराबर आपका 13, ये आंसर हो गया आपका, क्लियर। तो बच्चे समझ गए होंगे कि हम प्रतिस्थापन विधि का उपयोग कैसे करते हैं, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अब यहां देखते हैं कि अगला प्रश्न है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उसे ज्ञात कीजिए। तो हम देखते हैं, बड़ा कोण मान लेते हैं, बड़ा कोण कितना मान लेते हैं x, और छोटा कोण इसको क्या मानते हैं हम y। तो दोनों क्या है, संपूरक है,
संपूरक दोनों कोण कैसे हैं? संपूरक है। इसका मतलब क्या होता है कि दोनों का योग 180 अंश होता है। ये संपूरक की परिभाषा है। दो कोण संपूरक कब होते हैं? जब दोनों का योग 180 अंश हो। तो यह आपको एक समीकरण मिल गया, क्लियर। अब हमको लिखा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण क्या है? बड़ा कोण बराबर छोटा कोण में 18 डिग्री जोड़ देते हैं। तो हम देखते हैं कि बड़ा कोण कितना x और छोटा कोण कितना y। तो y में हम 18 को जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलेगा? x के बराबर मिलेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा और सिंपल कर लीजिए। तो हम देखते हैं कि x माइनस y इक्वल 18, ठीक है। तो अब आपके पास दो समीकरण हो गए, x प्लस y इक्वल टू 180 और x माइनस y इक्वल टू 18। इन दोनों को सॉल्व करके हम x और y का मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो करिए इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण एक से x बराबर 180 माइनस y। अब इस x का मान समीकरण दो में रखने पर तो हम देखते हैं कि x के स्थान पर 180 माइनस y और साथ में कितना है, एक और y माइनस y इक्वल टू 18। तो यहां बचेगा 180 माइनस 2y इक्वल टू 18, 180 माइनस 18 इक्वल 2y। कितना हो जाएगा यहां पर? 168 इक्वल 2y। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 168 अपॉन 2, 84, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 84। तो अब हम इस y का मान समीकरण एक में रखते हैं। x प्लस 84 इक्वल टू 180। दिस इंप्लाई x इक्वल टू 180 माइनस 84 इक्वल टू 96। तो ये आपके आंसर हो गए, x की वैल्यू और y की वैल्यू आपको मिल गई। तो ये आपको इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो अब हमने आप सभी बच्चों को तीन चार क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि से करके दिखा दिए। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे और यदि कहीं कंफ्यूजन है तो इस वीडियो को आप बार बार देखिए और उसके साथ साथ आप लिख के प्रैक्टिस करिए। तो डेफिनेटली सभी बच्चों से प्रतिस्थापन विधि करते आसानी से बन जाएगा। कुछ क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हैं, इनको बच्चे अपने घर में करके देखेंगे। सिमरल ये क्वेश्चन है, जैसा भी हमने किया है सेकंड वाला, वैसे ही इसको थर्ड वाला भी है। तो इसको भी कर लेंगे। मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूं कि यहां आपको क्या करना है, एक बल्ले का मूल, एक बल्ले का मूल क्या मान लेंगे, x, और एक गेंद का मूल क्या मानेंगे, y। प्रश्न में क्या लिखा है, सात बल्ले और छह गेंदें, सात बल्ले यानी 7x और छह गेंद का मूल कितना हो जाएगा, 6y बराबर कितना, 3800। ये आपका
पहला समीकरण हो गया। दूसरे समीकरण में क्या के लिए क्या करेंगे, तीन बल्ले का मूल, तीन बल्ले का मूल है ना 3x और पांच गेंद है ना 5y बराबर कितना 1750। ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। और दोनों को आप प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करके x और y का मान ज्ञात कर लेंगे। अभी हमने तीन सवाल किए ना, आपको इसी तरह से इसको भी बहुत आसानी से कर लेंगे, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? तो एक क्वेश्चन हमने जो अधूरा छोड़ा है इसको पूरा करेंगे, और जो होमवर्क दिया है उसको कंप्लीट करेंगे। यदि इसमें कोई डाउट है तो हमको बताइए, तो हम अगले वीडियो में इसको सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।